Student, you are welcome in our SSC class. I am Anthony Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 11. In chapter number 11, today's topic is First Roundtable Conference. The British government summoned in the London in 1930 the First Roundtable Conference in Indian leaders. Indian leaders ke dara First Roundtable Conference ki gayi. And the spokesman of the British government, this conference called upon to discuss the reform suggested by the Simon Commission report. The Congress boycotted this conference. The Congress ne is conference ko boycott kar di. It was attended by the Muslim League. Ye Muslim League ke dara attend ki gayi. And the Hindus Mahasabha. The conference was a failure. Hindu ki failure ho gayi. Gandhi Irwin Pact 1931. Early in 1931, effort were made by the Viceroy Irwin. Viceroy ke dwara kiya gaya to pursue the Congress to join the second round table conference. Ki second round ki jo table thi wo jo Congress wale hai wo usko swikar kare. And the agreement was made between the Gandhi ji and the Irwin. Gandhi ji aur Irwin ke dwara ye agreement kiya gaya. Popularly known as the Gandhi Irwin Pact. Se Gandhi Irwin पैक्ट कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट, इसके अकॉर्डिंग एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड अगेंस्ट द होम हैड नो चार्जेस ऑफ वायलेंस. द कांग्रेस वाज टू सस्पेक्ट द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. कांग्रेस थी वो शंका में थी. इसके बाद कराची सेशन 1931. द कांग्रेस जनरल सेशन वॉज हेल्ड इट कराची एंड वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट ओवर द सेशन. टू इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन वर पास इन द सेशन. दो सेशन पास हुए. दीज वर द टू फंडामेंटल राइट. ये दो फंडामेंटल राइट थे. इकोनॉमिकल पॉलिसी द स्टेट डेट द फंडामेंटल राइट शुड बी गिवन टू द ऑल. फंडामेंटल राइट सभी को दिए जाने थे. रिगार्डिंग द रिलीजन एंड द कास्ट. नेशनलाइजेशन एंड द सेंट्रल इंडस्ट्री वर प्रपोज बाई इट एंड इट फोकस ऑन द प्रमोशन टू द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड द पेशेंट. इट लेड डाउन टू द प्लान एंड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ये आफ्टर इंडिपेंडेंस होने वाले थे, वो भी वर्कर्स और किसानों के वेलफेयर के लिए. इट ऑल्सो प्रिपेयर मेनी एम्स. के बहुत सारे उद्देश्य थे एंड आइडियाज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया के लिए बहुत सारे आइडियाज थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. ऑफ इंडिया वॉज द सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ द इंडियन पब्लिक. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. गांधी जी अराइव्ड इन लंदन फॉर अनदर कॉन्फ्रेंस इन सेप्टेम्बर 1931. गांधी जी लंदन पहुंचे दूसरी कॉन्फ्रेंस करने के लिए 1931 में. ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस स्टिल कीपिंग एब्रेस्ट ऑफ द कम्युनल पॉलिसी. द ब्रिटिश हैड ऑल्सो इनवाइट द रिप्रेजेंटेटिव. ब्रिटिश ने इनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे फ्रॉम द एसोसिएशन लिंक टू द मुस्लिम. और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन एंड इंडियन प्रिंसेस कुछ एसोसिएशन से भी लिंक था. ये मेजोरिटी ऑफ द इनवाइट क्लेम टू द प्रेजेंट ओनली द रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज. ये सब रिस्पेक्टिव कम्युनिटी से बुलाए गए थे. बट द गांधी जी रिप्रेजेंटेड द होल नेशन. गांधी जी पूरे होल नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे. द ब्रिटिश अगेन द टर्न डाउन टू द रिक्वेस्ट. ब्रिटिश ने फिर से रिक्वेस्ट की फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए. इन द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट प्रूव टू बी अ फेलियर. लेकिन फिर से जो कॉन्फ्रेंस थी फिर से फेलियर हो गई थी. इसके बाद हम पढ़ेंगे द पूना पैक्ट. अभी हमने सेकेंड राउंड टेबल देख ली, फर्स्ट राउंड टेबल देख ली और हमें पूना पैक्ट देखना था जो कि इसके बाद में आता है. इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.